नमस्कार, मैं सुरेश वाखले सागर टीवी न्यूज के इलेक्शन अपडेट कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिवा पुरोहित जी। पुरोहित जी, आपका जो है इस चर्चा में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो वक्त जा रहा है वो इस समय सागर में जा रहा है चुनाव प्रचार का। जो भी प्रतिभागी चुनाव प्रचार में चुनाव मैदान में उतरे हैं, जमकर प्रचार कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि चुनाव प्रचार इस समय किस तरीके से जा रहा है? बड़े जो नेता उतरे हैं, बड़ी पार्टियों से उतरे हैं, या जो निर्दलीय हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है और किस तरीके से हो रहा है, क्या खास है इस पर? देखिए, जैसे जैसे वोटिंग की डेट नज़दीक आ रही है, प्रचार शोर थमने का डेट नज़दीक आ रही है, प्रचार करने के जो गति है उसमें इन प्रत्याशियों की बहुत तेज़ी आई है। और सभी प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हों और चाहे वो किसी दल से हों, उन्होंने अपनी अपनी प्रचार की स्ट्रेटजी को अलग अलग तरीके से बदल रहे हैं। नए नए तरीके से ज़्यादा लोगों से मिल सकें ऐसी उनकी नीति बना रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मतलब प्रचार कुल मिला के जोर शोर से कर रहे हैं। जब चुनाव की घोषणा हुई थी और जब चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद जो है नामांकन दाखिल हुए थे, उसके बाद लगभग सभी लोगों का कहना ये था कि जो चुनाव हैं ये जनरली दो दलों के बीच होंगे, भाजपा या कांग्रेस, यही दो दल जो है लड़ेंगे आमने सामने। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आमने सामने की टक्कर का नहीं बल्कि बहुकोणीय हो चला है। देखिए सुरेश जी, जब ये इलेक्शन में दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए थे, उसके बाद जब तक तो कांग्रेस बीजेपी ही लोग सोच रहे थे कांग्रेस बीजेपी में रहेगा, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी डिक्लेयर हुए तो कई सारे लोगों के भीतर अरमान जागे कि वो, चूंकि दोनों पार्टीज ने जैन कैंडिडेट को मौका दिया था, तो दोनों बाकी के लोगों में ऐसे अरमान जागे कि इस मौके का फ़ायदा लेकर वो चुनाव जीत सकते हैं। और लहर भी कुछ इस बार निर्दलीय की बीच में चली हुई, कोई निर्दलीय चेहरा इस बार अगर अच्छा चेहरा कोई आता है तो वो सीट निकाल लेगा। लेकिन अभी की अगर बात करें, जो 20 चेहरे हमारे साथ आए हैं, सामने आए हैं, उन चेहरों में अभी कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 18 में से जो प्रमुख 7-8 चेहरे हैं उनमें से अभी एक चेहरे के प्रति किसी की सहमति, जनता की सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। अभी मुकाबला जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच में ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ निर्दलीयों में भी कई चेहरे ऐसे हैं और सपा और बसपा के दो चेहरे जो सामने आए उनमें भी वो धीरे 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 कर जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच कर, जो कहना चाहिए कॉम्पिटिशन देना, उन्होंने शुरू कर दिया है। और जो आप कह रहे हैं बहुकोणीय मौका, जो मुकाबला जो है वो मल्टी लेवल पे है, मल्टी पर्सन्स के बीच में है, तो सही बात है आपकी। चूंकि जिस तरीके से 4-5 चेहरों के नाम लेना चाहूँगा कांग्रेस बीजेपी के चेहरों को छोड़कर, जिस तरीके से वंदना गुप्ता, अन्नी दुबे, पंकज सोनी निर्दलीय के तौर पर जो मैदान में उतरे हैं, तो ये भी प्रचार जिस तरीके से अपना कर रहे हैं तो उनसे भी पब्लिक के बीच में इनकी इमेज बन रही है। मतलब जैसे हम बात करें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये लोग टक्कर दे रहे हैं, इन सभी पार्टियों, जो सागर की, जो जिले की, जो 8 विधानसभा सीटें हैं, इन लोगों ने, लगभग सभी पार्टियों ने हर जगह पर जो है अपना अपना कैंडिडेट प्रतिभागी खड़ा किया है, कहीं कहीं बागियों को भी टिकट दिया है और मैदान में अच्छा खासा जो है दम दिखा रही हैं। सागर विधानसभा के संदर्भ में अगर बात करें तो कांग्रेस के दो बागी हैं। पहले बागी कहलाए जगदीश यादव, जो सपा से मैदान में है, दूसरे हैं अन्नी दुबे जो निर्दलीय मैदान में है। अगर बात करें बसपा के प्रत्याशी की, तो बसपा के जो प्रत्याशी हैं संतोष प्रजापति, वो भाजपा नेता, युवा नेता विनोद प्रजापति के भाई हैं, जो कि विनोद प्रजापति जो कि भूपेंद्र सिंह के खेमे से राजनीति करते हैं। संतोष प्रजापति का बसपा से टिकट लाकर चुनाव लड़ना और फिर एक तरीके से माहौल बनाना, संतोष प्रजापति बड़ी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। वो दलित वार्डों में, चूंकि बसपा से खड़े हुए दलित वार्डों में उन्होंने जनसंपर्क बहुत तेजी से किया। हाँ, मतलब अभी ये आप बता रहे हैं पहली बार की रणनीति के तहत कि हमारा वोट, मतलब वोट कहाँ से ज्यादा आ सकता है। मायावती का जो SC ST का वोट है वो मायावती का वोट
लोग कहते हैं सर, वो मान के चलती हैं, तो वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करे हुए हैं। तो अब ये जो SC ST का जो वोट बैंक पे वो राजनीति कर रहे हैं और वो मैदान में उतरे हैं, उन वार्डों का विशेष रूप से भ्रमण कर रहे हैं, हालांकि हर जगह वो जा रहे हैं लेकिन इन वार्डों पर विशेष केंद्रित होकर वो अपना प्रचार कर रहे हैं। अब वो कितना लोगों को अपने प्रति विश्वास अपना ज्यादा पैदा कर पाएंगे कि लोग उन पर विश्वास करें, ये देखना होगा। लेकिन सपा जिस तरीके से जगदीश यादव प्रचार कर रहे हैं, जगदीश यादव सपा से हैं, यादव हैं और साथ साथ जो है जमीनी नेता हैं, जितने भी छोटकर व्यापारी हैं, मनाहारी वाले हैं, फुल्की वाले हैं या जो भी छोटा व्यापारी है, वो जगदीश यादव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कटरा के जो मनहारी वाले ये सब जगदीश यादव हमेशा उनकी समस्याएं उनकी परेशानियों को उजागर करते हैं। ये जो लोग हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम हर कास्ट के लोग हैं, ये लोग जगदीश यादव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जगदीश यादव का भी इस वोट बैंक पर एक तरीके से उनकी नज़र भी है और बसपा तो कर ही रही है। सागर में जो है चुनाव के देखना इसलिए ज़्यादा अच्छा है, जो चुनाव विश्लेषक होते हैं बाकी सभी के लिए, वो इसलिए क्योंकि आप एक छोटे सैंपल साइज में एक छोटी जगह पर जो है सभी तरह के वोट देख सकते हैं, कौन सा वोट कहाँ से आ रहा है, किसके लिए जा रहा है, कौन किसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पा रहा है या कौन किससे नाराज़ है। अगर आप दूसरी विधानसभाओं की बात करते हैं सागर में ही एक जस्ट, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ गांव होते हैं कि एक गांव किसी को पूरा गांव किसी को वोट दे देता है या एक जगह किसी से नाराज होता है, प्रभाव हो जाता है कि कोई कहीं का तो उसके आसपास के कुछ गांव को ज़्यादा प्रभावित कर लेता है। लेकिन सागर जो एक ऐसी जो है विधानसभा है कि यहाँ पर छोटी छोटी जगह पर वोट कुछ छोटी छोटी बातों के चलते, कुछ प्रभाव के चलते या कुछ अन्य विषयों के चलते वोट एक ही जगह पर एक ही मोहल्ले से एक ही वार्ड से अलग अलग लोगों को जा सकता है। शहर की बात कर रहे हैं आप, शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी के सुन के वोट नहीं डालते। शहर की जनता समझदार बहुत ज़्यादा होती है, वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है, वो जानती है कि हमें किसको वोट देना है, वो सारा टटोलती है, तराजू में तोलती है और जब सब चीज़ें करने के बाद वो वोट देती है। यहाँ बात करना चाहूँगा इस बार के प्रत्याशियों की, इस बार के जो प्रत्याशी हैं भाजपा कांग्रेस और प्रमुख दलों को सबको मिला के बात करें तो जन आधार जो है बटता दिख रहा है, जन आधार जो है इस बार बटा हुआ है। जैसे बात करूँ यहाँ पे वंदना गुप्ता की, वंदना गुप्ता डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड जाने माने शहर के डॉक्टर हैं, मातृशक्ति महिला शक्ति अकेली जी महिला शक्ति के नाम पे जो है वो एक महिला के तौर पर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और वो जो है महिलाओं को इस बात के लिए जगा रहे हैं कि महिला को इस बार प्रतिनिधित्व देना मिलना चाहिए। यानी अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो 50% अकेला जो है वो वंदना गुप्ता आदि आबादी कह सकते हैं, आदि आबादी वंदना गुप्ता के लिए, डॉक्टर वंदना गुप्ता के लिए दे सकती है। जो सागर की जो महिलाएं हैं, सागर की महिला, सागर में एक चीज आप देखते होंगे, पुरुष जो वर्ग है वो घर का मुखिया होता है, पुरुष अगर कह दे कि हमें इसको सपोर्ट करना है तो महिलाएं भी जो है उसको सपोर्ट करना शुरू करती, लेकिन वंदना गुप्ता के अंदर एक उनकी जो बोलने की जो शैली है, उनकी जो पावर है, स्पीकिंग पावर है, वो बड़ी कैचिंग है, लोग उन कैच करते हैं, सुनते हैं और उनकी सुनने के बाद जो है उन पर कितना विश्वास वो जगा पा रही हैं ये अलग विषय है, लेकिन लोग उनकी बात सुन रहे हैं, वो जहाँ जा रही हैं लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तो महिलाओं के लिए महिला लीडर के तौर पर वंदना गुप्ता है। आपने अभी आप पार्टी से इंद्र विक्रम सिंह का नाम नहीं लिया है। इंद्र विक्रम सिंह की बात करें तो शुरुआत ही जब सबको ही प्रचार नहीं कर रहा था तो इंद्र विक्रम सिंह प्रचार कर रहे थे, उनके पोस्टर लग चुके थे, घूम रहे थे, सब जगह जा रहे थे, जैसे उनका हमने बीच में पढ़ा था कि उन्होंने 60,000 लोगों से संपर्क कर लिया था। लेकिन इंद्र विक्रम सिंह अभी फिलहाल जो है शायद चुनावी समीकरण जो उन्होंने देखे या माहौल जो बनता देखा, अभी स्ट्रेटेजी उन्होंने दूसरी चेंज की है अपनी, वो अब नई स्ट्रेटेजी के तहत वो भीड़ भाड़ लेके नहीं जा रहे, वो चाह रहे हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र है या जो हमने बनाया है मैनिफेस्टो वो जनता तक पहुंच जाए, लोग उसको पढ़ लें, कि जिस तरह के दिल्ली में हमने बिजली के रेट, पानी के रेट, जिस तरीके स्कूलों का डेवलपमेंट वहाँ किया है, वैसा कुछ हम यहाँ भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे, तो कहीं क्या ये इंद्र विक्रम सिंह भी सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? लेट हैं इंद्र विक्रम सिंह लेट हैं, अभी उन्होंने आईडीज जो हैं उनकी बनना शुरू हुई हैं, पेजेस अभी बने हैं उनके। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंद्र विक्रम सिंह का जब मैंने आज से एक महीने पहले जब चुनाव कैंपेनिंग उन्होंने शुरू कर दी थी तब वो जो पोस्ट डालते थे तो उसके हम लाइक्स
क्योंकि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट के तौर पर देखना पड़ता है, उनके लाइक्स और शेयर देखता था, उनके कमेंट्स पढ़ता था, तो ज़्यादा लोगों से उनका जुड़ाव था नहीं। अब उन्होंने तीन तीन आइडियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, कुछ वीडियो एड्स बनवाए हैं, कुछ लोगों के बयान डालते हैं, दिन जो प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं वो डालते हैं, तो सोशल मीडिया पर वो अभी बहुत देर से एक्टिव हुए। शैलेंद्र जैन भी यहाँ कोट करेंगे, वो भी बहुत देर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, लेकिन अब शैलेंद्र जैन ने सोशल मीडिया पर एक पकड़ बना ली है। अभी वो सोशल मीडिया के लिहाज से शैलेंद्र जैन सबसे आगे चल रहे हैं। नेवी अब तक सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हुए जैसा उनको, लेकिन अभी सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, हर आदमी के पास जो है मोबाइल है और नेट से जुड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया भी इस बार जो है बहुत असर डालेगा। वो सहजता से ले रहे हैं, नेवी उसको बहुत सहजता से ले रहे हैं कि नहीं सोशल मीडिया के बल पे ही नहीं चुनाव जीता जा सकता, ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, अगर अपन बात करें चुनावी सभाओं की, तो राहुल गांधी ने सागर विधानसभा में सभा कर ली, अभी फिर सागर आने वाले हैं, अमित शाह की हो चुकी है, योगी जी भी आने वाले हैं। ये तो हुए बड़ी पार्टियों के नेताओं की बात, सपा बसपा और ये जो मैदान में ये पार्टी प्रत्याशी जी उतारती हैं, आम आदमी पार्टी हुई, ये अपने जो उम्मीदवार हैं उनको किस तरीके से समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं? सुरेश, ये जो आप बात की आपने कि राहुल गांधी दो सभा सागर जिले में, दूसरी सभा होने वाली उनकी 24 तारीख को, नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले हैं राहतगढ़, आपके अमित शाह के जा चुके हैं, योगी जी सुखरई आएंगे, अब बात कर रहे सपा बसपा की और आम आदमी पार्टी की। जब मेरी बात हुई थी इंद्र विक्रम सिंह से, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल सागर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अधिकृत जानकारी नहीं मिली। सपा में अखिलेश यादव छतरपुर जिले में आते हैं, आपके मायावती वहाँ आती हैं, लेकिन सागर जिले में अब तक जो है ऐसा कोई ठोस प्रोग्राम नहीं आया है। जबकि इनको अगर वाकई चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो आपके लीडर को यहाँ आना पड़ेगा और आपको एक सभा उनकी यहाँ करानी पड़ेगी, तब आपका माहौल जो है सही गति पकड़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम आपसे पूछें कि सभी लोगों को देखते हुए अभी आप क्या कहेंगे कि क्या किसी का किसी के लिए क्लियर होता दिखता है जनादेश? बटा हुआ है, सागर का जो वोटर है अभी 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 डिसाइड नहीं कर पाया है किस क्या करना है। बीजेपी का वोट बैंक उनके पास है, कांग्रेस का वोट बैंक उनके पास है, राहुल गांधी जैसे ही सागर आएंगे उसके बाद कांग्रेस ही आप देखें। जहाँ क्या होता है, जब नेशनल लीडर जिस भी विधानसभा में जाकर प्रचार करते हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े लीडर, तो जब इन्होंने मान लीजिए 200 सभाएं करी, नरेंद्र मोदी ने 200 सभाएं करी, राहुल गांधी ने, अमित शाह ने सभाएं करी, तो इनके ओवरऑल जिन विधानसभाओं में गए उनका जब रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट जो है उसमें मैक्सिमम किसकी सभाओं में ज़्यादा जीत हुई उसके हिसाब से इनका कद और उसके हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो अब राहुल गांधी जैसे ही सागर आएंगे, सभा करेंगे, उसके बाद कांग्रेसियों की भी एक मजबूरी होगी कि सागर विधान जो बटा बटा कांग्रेसी है कि सागर विधानसभा में इस बार कैसे ना कैसे करके जीत हमें लेनी, क्योंकि राहुल गांधी की नाक का सवाल हो जाएगा। अब आपने बात की बाकी लोगों का, बटा हुआ जनाधार है, पंकज सोनी निर्दलीय हैं, उनके साथ क्रांतिकारी टाइप के युवा हैं जो बदलाव चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि बदलाव लाना है, सोनी समाज भी उनके साथ कुछ खड़ा होता दिख रहा है, और पंकज सोनी के साथ वो लोग खड़े हैं जो आंदोलन करते हैं, जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, जो सागर हित की बात करते हैं, वो पंकज सोनी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं जैसा वही है कि आप इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हो जाता है वो एक बड़े स्तर का चुनाव, सेंट्रल का चुनाव हो जाता है, केंद्र का चुनाव हो जाता है, मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय मुद्दे भी जो हैं ज़्यादा प्रभावी हैं और लोग बाग इसको जो है अपने शहर से जोड़ करके देख रहे हैं कि 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए और हमें परिवर्तन अब चाहिए। तो ये इस स्ट्रेटजी से ये काम कर रहे हैं। अब बात करें अन्नी दुबे की, तो अन्नी दुबे भी अधिवक्ता संघ के 2 बार के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, शहर का जाना माना चेहरा है और हर के दुख सुख में खड़े होते हैं, जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो भी अपना वो बिल्कुल साइलेंट प्लेयर है। अन्नी दुबे जिस तरह साइलेंट प्ले कर रहे हैं, वो चुपचाप एक दिखाने के लिए जनसंपर्क करते हैं और चुपचाप जो प्रचार वो कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी वैसी है। अभी यहाँ एक पॉइंट आपको बताएंगे क्या है कि शैलेंद्र जैन बाजार लूट चुके, मतलब पूरा शहर घूम चुके हैं, अब बाजार में जो है वोट के नाम पर जनसंपर्क लेकर उन बराबर भीड़ के लेके जाना
कम संभव है। उन्होंने तो अपना हाँ उन्होंने सब भीड़ उन्होंने जो नेवी के साथ भीड़ इसलिए कांग्रेस से है, बाकी इन प्रत्याशियों के लिए भीड़ ले जाकर प्रचार करना जनसंपर्क करना अगर ये ऐसी कोशिश करेंगे तो ये भीड़ जुटाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए इन्होंने जो है दूसरी स्ट्रेटेजी से काम करना शुरू कर दिया है। हमने बात की सोशल मीडिया की, हमने बात की सागर में चुनाव प्रचार की, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक जैसे मैं बात करता था नामांकन दाखिल होने के बाद से तो कुछ कुछ क्लियर नज़र आ रहा था, जनता से बात करते थे। वास्तविकता है क्योंकि हम मीडिया में हमेशा लोगों से बात करते रहते हैं, एक स्पष्ट जनादेश सा कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि या तो ये या ये, लेकिन वही बात कि अब बहुत बट गया है। अच्छा पत्रकारिता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वोट परसेंट अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा के वोट परसेंट में पिछली बार अगर हम ओवरऑल वोट परसेंट की बात करें तो बहुत अंतर नहीं था। नहीं, सीटें जरूर भाजपा के पास ज्यादा थी लेकिन वोट परसेंट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी, ये लोग जो हैं या भाजपा कांग्रेस भी इवन, ये सभी जो हैं बदलाव की चाह के चलते वोट जो है एक दूसरे का ही बहुत काटेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात बोली है। जिस तरीके से 18 लोग खड़े हो गए, इन्होंने बदलाव का जो माहौल बना था उसको ख़त्म कर दिया। 18 लोगों का खड़ा मतलब कांग्रेस बीजेपी के अलावा 18 लोगों का अगर खड़ा होना मतलब वोट जो है कांग्रेस बीजेपी जो इनका एंटी इनकम्बेंसी का वोट था वो कट गया आपका, विरोध का जो वोट था वो कट गया आपका, या जो वोट फिक्स नहीं होता जाति के समीकरण बदल गए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि अब जिस प्रत्याशी से आप बात कर रहा हूँ वो प्रत्याशी जो है मेहनत पूरी कर रहा है, प्रचार में मिल रहा जुल रहा सब कर रहा है, अब कौन कितना वोट ले जाता है ये आपको एक दिन और ठहरना पड़ेगा, 3 दिन ठहरना पड़ेगा कि अब अभी पब्लिक जो है बोलते बोलते खामोश हो गई, चुप हो गई। अब वो बैठ के सबको इन 18 लोगों को तोल रही है कि ये इसमें ये अच्छाई इसमें ये बुराई इसमें ये अच्छाई इसमें ये बुराई, ये कर सकता वो कर सकता है, ये हमारा जानने वाला है इसको हम जानते नहीं है, अभी इन सब बातों पर जो है चल रहा है पब्लिक के बीच में, और वो अभी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्रिकेट मैच होता है ऑस्ट्रेलिया और केनिया की टीम के बीच में, कोई बहुत मजबूत और कोई किसी कमजोर टीम के बीच में, तो नतीजा जो है प्रायः शुरू में ही पता पड़ जाता है कि 99% चांसेस हैं कि ये टीम जीतेगी, लेकिन जब हम ताश के पत्ते खेलते हैं और कुछ पत्ते बांटे जाते हैं तो वो तो वक्त ही बताता है कि इस बार किसका पलड़ा भारी है और कौन जो है इस बार हार का गोता लगाएगा। कभी कभी जो है मैच फंस भी जाता है है ना, सागर विधानसभा में इस बार आप इस चीज से, लेकिन अभी मैं तो इसको ये कहूंगा कि अभी तो ताश के पत्ते बढ़ रहे हैं, किसको अच्छे पत्ते आते हैं। सागर विधानसभा में आप इस बार ये नहीं कह सकते कि सागर विधानसभा में फला आदमी जीत ही रहा, सबको मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करनी पड़ रही है पर मेहनत सभी लोग जो है, मैं तारिक भाई की एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तारिक भाई ने एक बात बोली थी कि शैलेंद्र जी तो उनको जो करना था वो कर दिया, अब लोग जो है वो जो करके छोड़ चुके हैं वो लोग कर रहे हैं, मतलब जनसंपर्क जिस तरीके से उनको करना था उन्होंने कर दिया, अब जनसंपर्क जिस तरीके से अब उनको देख के लोग करने लगे, ऐसा ना होगा कुछ अलग स्ट्रेटेजी बना के आपको जनसंपर्क करना होगा। कोई मतलब कोई भी आश्वस्त नहीं है, नहीं। ये वक्त है सभी जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं सभी के लिए मेहनत करने का। आने वाले दिनों में इसी तरह चुनाव प्रचार जारी रहेगा और शवाब पर आएगा और जो है सभी प्रतिभागी जाएंगे अपने लिए लोगों से अपील करेंगे कि वोट डालें। सागर टीवी न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि मतदान के दिन वोट डालने जरूर जाएं। सागर टीवी न्यूज की हम सभी दर्शकों से अपील है और इलेक्शन अपडेट लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार।